नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं फरीद अहमद। सबसे पहले हेडलाइन। गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई समन्वय समिति की बैठक। 24 फरवरी को प्रधानमंत्री की रैली की तैयारियों की गई समीक्षा। प्रभारी मंत्री ने कहा रैली में शामिल होंगे 12 लाख किसान। मौसम विभाग और क्लाइमेट सेल ने 14 फरवरी से 17 फरवरी के बीच बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और वज्रपात की दी चेतावनी। प्रभारी आपदा अधिकारी ने लोगों किसानों से सावधानी बरतने और सतर्क रहने की दी सलाह। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान कराने पंजीकरण। मिलेगा सालाना 6,000 रुपए, जिला कृषि अधिकारी ने दी जानकारी। भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री की अध्यक्षता में संपन्न हुई किसान मोर्चा की बैठक। किया गया रैली स्थल का भूमि पूजन। जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने जिला चिकित्सालय का किया निरीक्षण। मरीजों से पूछा हाल, डॉक्टरों को दिए सुझाव। प्रदेश सरकार के बजट की प्रभारी मंत्री ने की सराहना। कहा किसानों को गेहूं के समर्थन मूल्य के साथ मिलेगा 100 रुपए अतिरिक्त बोनस। प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने जिला अस्पताल के चिकित्सकों के साथ किया बैठक। कहा ठीक है स्वच्छता और जनता अस्पताल, ज्यादा मरीज देखने वाले डॉक्टरों का दे नाम, मुख्यमंत्री जी से करवाएंगे सम्मानित। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन द्वारा आयोजित प्रतिभा खोज परीक्षा के विजयी प्रतिभागियों को किया गया सम्मानित। और दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के 2 दिवसीय वार्षिक खेलकूद समारोह का हुआ समापन। प्रियंका ने 8 और विश्वजीत साहनी ने 5 गोल्ड मेडल जीतकर बने ओवरऑल चैंपियन। समाचार विस्तार से। प्रदेश के सिंचाई व यांत्रिक मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में समन्वय समिति की बैठक सर्किट हाउस के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, ग्रामीण क्षेत्र के विधायक विपिन सिंह, खजनी विधायक संत प्रसाद, चौरी चौरा के विधायक संगीता यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधि तथा मुख्य विकास अधिकारी अनुज सिंह, DDO डॉक्टर बब्बन उपाध्याय, SPCT विनय कुमार सिंह, SP ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में 24 फरवरी को गोरखपुर में किसान मोर्चा के होने वाले सम्मेलन और रैली में प्रधानमंत्री के आगमन के मद्देनजर तैयारियों की समीक्षा की गई तथा विधायकों को रैली की सफलता की जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रभारी मंत्री ने दावा किया कि रैली में 12 लाख किसान शामिल होंगे। बैठक के बाद गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा तो आपको पता है वो क्या नाम दिया था, लेकिन उनका फोन उठा नहीं। राजेश निशान जिला मामला नहीं आने। शुरू करते हैं एक बार। अंजीम सदर देखिए लक्ष्य अभी आप लोगों के साथ हर विधानसभा का लक्ष्य अलग अलग तय करें, जिस पर बात हुई थी तो हमारी आज 24 फरवरी को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ गोरखपुर में आ रहे हैं। सभी माननीय विधायक उपस्थित थे और संगठन के समन्वय समिति के थे। तो गोरखपुर महानगर और जिले से 9 विधानसभाओं से 1.5 लाख की संख्या निश्चित की गई है। सभी माननीय विधायक संगठन लगकर मोदी जी को सुनने के लिए लोग आवेंगे और बड़ा उत्साह है लोगों में इस मोदी जी के आगमन को लेकर। तो निश्चित रूप से एक सफल कार्यक्रम होगा।
इस संबंध में मैंने अधिकारियों के साथ और अपने माननीय विधायक और संगठन के साथ वार्ता की थी। सर, कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण? हाँ, कुछ परियोजनाएं जो पूर्ण हो गई हैं उनका लोकार्पण भी किया जाएगा। और बहुत अच्छा, माननीय प्रधानमंत्री जी के पूर्वांचल में आने का लाभ किसानों को विशेष मिलेगा। यहाँ किसान जो हमारा किसान मोर्चा है, भारतीय अखिल भारतीय किसान मोर्चा, उसका भी एक कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में आ रहा है। गैस पाइपलाइन भी बिछना है, 9000 करोड़ का है, और ये किसान सम्मान 9000 करोड़ का शिलान्यास है। 9000 करोड़ का गैस पाइपलाइन, ये 9000 करोड़ रुपए का गैस पाइपलाइन का शिलान्यास है, और लोग इसको करेंगे। माननीय किसान सम्मान निधि योजना की लॉन्चिंग, हाँ, किसान सम्मान निधि का भी लॉन्चिंग यहाँ होगा। जो किसान के 3 महीने का जो खाते में रुपया देने की बात है, वो यहीं से शुरुआत होगी उत्तर प्रदेश में। ये बहुत शुभ संकेत है, किसान रैली इसी, हाँ, किसान रैली इसी के लिए की जा रही है। राव, ये सब किसान ही होंगे। मैंने हमने कहा कि देखिए, कृषि इस देश की अर्थव्यवस्था है। कृषि प्रभावित होती है तो अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। इसलिए मोदी जी ने प्रारंभ से ही किसानों पर, गाँव पर, गरीब पर, गरीब किसान, गरीब मजदूर, उत्तर प्रदेश में किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की सर्वाधिक संख्या है। इसका भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने, उत्तर प्रदेश में योगी जी ने विशेष ध्यान रखा है। सर, योगी सरकार ने जो बजट पेश किया, ये पूरे मंडल से 12 लाख किसान इसमें हैं, और मैंने ये कहा ना, भाग लेने का काम करेंगे। 14 फरवरी से 17 फरवरी के बीच बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी करते हुए मौसम विभाग और जिला आपदा केंद्र गोरखपुर में स्थापित क्लाइमेट सेल ने अध्ययन के आधार पर चेतावनी जारी करते हुए बताया कि उक्त अवधि में बारिश के साथ ओलावृष्टि और बिजली गिरने की संभावना है। यह चेतावनी जारी करते हुए प्रभारी अधिकारी आपदा एवं अपर जिला अधिकारी वित्त राजस्व विधान जायसवाल ने इस कारण से होने वाले नुकसान का आकलन कर हुए नुकसान की सूचना प्रतिदिन दोपहर 2 बजे तक उन्हें उपलब्ध कराने का निर्देश जिले के सभी SDM को दिया है, जिसमें शासन के निर्देशों के अनुसार प्रभावित लोगों, किसानों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा सके। प्रभारी आपदा अधिकारी ने लोगों, किसानों से सावधानी बरतने और सतर्क रहने की सलाह दी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर से लॉन्चिंग करेंगे, जिसके संबंध में जिला कृषि अधिकारी अरविंद चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कृषकों को प्रथम किस्त का भुगतान किए जाने के लिए किसान सेवा योजना में पंजीकृत कृषकों को विवरण राजस्व विभाग से मिलान किए जाने एवं घोषणा पत्र के अनुसार पात्र अपात्र का चिन्हांकन किए जाने का कार्य संबंधित ग्राम के लेखपाल एवं कृषि तथा अन्य विभागों के क्षेत्रीय कर्मियों द्वारा 6 फरवरी से किया जा रहा है। कृषक बंधु संबंधित सत्यापन टीम को अपना संपूर्ण विवरण, बैंक का नाम, खाता संख्या, IFSC कोड, आधार संख्या एवं मोबाइल नंबर सही उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे उनका पूर्ण विवरण पोर्टल पर अपलोड किया जा सके। उन्होंने कहा कि किसान इस योजना का रजिस्ट्रेशन चरगावा कृषि केंद्र पर करा सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए जिला कृषि अधिकारी अरविंद चौधरी ने कहा, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि सम्मान निधि जो है, ये भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है। तो इसके लिए दो तरह के किसान, एक जो हमारे upagriculture.com पे पंजीकृत हैं, उनका पहले सूची निकाल के, उनका घोषणा पत्र लेके उनका फीडिंग कराया जा रहा है, डाटा लॉक किया जा रहा है। लेकिन जो किसान उस पर पंजीकृत नहीं है, उनका अलग से उनका विवरण लेके, खतौनी, आधार, पासबुक, सारा डिटेल लेके उनकी फीडिंग शुरू कर दी गई है। तो ऐसे कृषक जो अभी तक पंजीकृत नहीं हैं, अपना डाटा लेखपाल के माध्यम से भिजवा सकते हैं या स्वयं आके दे सकते हैं। ये फीडिंग चरगावा में DD ऑफिस में हो रहा है, इसके अलावा विकास भवन में भी किया जा रहा, अभी शुरू किया गया है। ये लक्ष्य हम लोगों का है कि 20 तक सारे किसानों का फीडिंग कर लिया जाए। ऐसे लघु सीमांत कृषक जो 2 हेक्टेयर तक ही खेत हैं, उनको प्रथम किस्त 2000 मिलेगा, टोटल वर्ष में 6000 मिलना है। जी, वर्ष में 6000 मिलना, प्रथम किस्त 2000 जाएगी। 3 किस्तों में मिलेगा, 2000 3 किस्तों में। नहीं, विकास भवन आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लेखपाल और हमारे कृषि विभाग के जितने कर्मचारी हैं सब गांव-गांव जा रहे हैं, और अभी जो बचेंगे उनके लिए कैंप भी ब्लॉक स्तर पर लगाया जाएगा। कैंप में भी आ सकते हैं, गांव में वो छूट जाते हैं किन्हीं कारणों से, तो कैंप में आके अपना आवेदन कर सकते हैं।
भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक फर्टिलाइजर स्थित कार्यक्रम स्थल पर आहूत की गई, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने किया। बैठक में पार्टी के प्रदेश महामंत्री पंकज सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव, किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष राणा प्रताप सिंह सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में 23 और 24 फरवरी को होने वाले किसान सम्मेलन और प्रधानमंत्री की रैली की तैयारियों की समीक्षा की गई। उसके बाद प्रदेश संगठन मंत्री और महामंत्री ने रैली स्थल का भूमि पूजन किया और रैली की सफल आयोजन की कामना की। गौरतलब है कि फर्टिलाइजर के मैदान पर 2 दिवसीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आयोजन होना है, जिसका उद्घाटन 23 फरवरी को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह करेंगे, जिसमें लगभग 4,000 किसान प्रतिनिधि शामिल होंगे और उन्हें शासन द्वारा किसानों के हित में लागू किए जाने वाली योजनाओं की जानकारी दी जाएगी, तथा दूसरे दिन 24 फरवरी को एक विशाल रैली का आयोजन किया गया है, जिसको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित केंद्र और प्रदेश सरकार के मंत्री मौजूद रहेंगे। प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने बुधवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिला चिकित्सालय में न्यू बिल्डिंग ओपीडी PICU इंसेफ्लाइटिस वर्ल्ड हीमोडायलिसिस यूनिट हृदय विभाग और ऑपरेशन थिएटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रभारी मंत्री ने मरीजों का हाल पूछते हुए जिला अस्पताल में मिलने वाली सभी सुविधाओं के बारे में पूछा। इस दौरान उन्होंने अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ से मरीजों को मिलने वाली दवाओं और अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। प्रभारी मंत्री ने कहा कि योगी सरकार की प्राथमिकता है स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और शुद्ध पेयजल। जनपद गोरखपुर का प्रभारी होने के नाते आज हमने जनता अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण में सबसे पहले हमें स्वच्छता पर ध्यान दिया। अस्पताल की स्वच्छता ठीक है, स्वच्छता से ही बीमारियां दूर होती हैं। अस्पताल के डॉक्टरों का व्यवहार अच्छा है, व्यवहार से भी मरीज ठीक हुआ करते हैं। किसी मरीज ने डॉक्टर के व्यवहार के बारे में, डॉक्टर से दवा न देने के बारे में शिकायत नहीं किया। ऐसे मरीजों से बात हुई, मन को संतुष्टि हुई। इस दौरान CDO अनुज कुमार, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नीरज कुमार पांडे, एडिशन CMO डॉक्टर IB विश्वकर्मा, जिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर राजकुमार गुप्ता, डॉक्टर BK सुमन सहित जिला अस्पताल के अन्य चिकित्सक और कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ संवाददाता से बात करते हुए प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, कोई चला जाए तो पहले जाऊँ अब जाइए अंदर संरक्षण मामला थोड़ा 10 मिनट का क्या नाम है? कब से हो यहाँ? भैया दवा वहाँ मिल रही है? कोई और परेशानी तो नहीं? तुम्हारी भी यही हिस्ट्री है, कब से हो तुम? दवा मिल रही है? डॉक्टर साहब देखते हैं रोज? क्या नाम है? दवा मिल रही है? डॉक्टर साहब देख रहे हैं तुम्हारे मरीज को?
सिर्फ यहाँ का खोज तो नहीं मालूम लेकिन बच्चों में काफी है, तो पर डे ओपीडी में 10-12 मरीज ऐसे आ जाते हैं। इसका पहले तो ये था जो नॉन वेज खाते उनको होता है, लेकिन एक चीज यही निकल के आई थी सर जो होता है। क्या नाम है? प्रशांत भाई। कितनी उम्र है? प्रशांत जी। प्रशांत जी पत्ता गोभी इससे दो से मतलब जो है पत्ता गोभी से स्कूल वाले प्रिंसिपल को सिग्नल ले चलो कहीं यहाँ हो तो ऑडिटोरियम टाइप का कोई है तो इसमें डायलिसिस में 10 बेड है सर। ये आपका नरेंद्र है, नरेंद्र गुप्ता को क्या दिया है आज आपको? पर्चे पर्चे ये हम जैसे मान लो जी पूछना चाहे आपसे तो जैसे इस समय आप पे तो कुछ रहा नहीं रिकॉर्ड आपने क्या दिया? इस पर लिखा है हाँ उसको दवा रिएक्ट कर दी और उसने कल आपको शिकायत की आपके साथ उनको नुकसान हो गया तो आप तभी तो देखोगे उसकी कौन सी दवा दी है पर्चा उससे हो गया मिस। जब गांव के लोग हैं ना ये गरीब लोग हैं इनमें कोई पर्चे की कीमत नहीं होती और फ्री दवा आप दे रहे हो तो दवा यदि रिएक्ट कर गया है और रिएक्ट कर गया है तो फिर उसको नुकसान हुआ अब फिर दोबारा आपके पास आएगा तो आप अंदाज से दवा दोगे कि कौन सी नहीं अगर आपके यहाँ लिखी हो थोड़ा काम बढ़ जाएगा का इससे लाभ ये रहेगा कि आप तत्काल उस गरीब आदमी को दूसरी दवा बदल कर उसका स्वास्थ्य को लाभ दे दो। ठीक है हार्ट के मरीज भी जो थोड़ा सा जा रहे बहुत सीरियस नहीं होते जिनको बाहर भेजना जगह पे क्या कहते हैं ये विकास सिंह ये रजनीश राय है मॉर्निंग में मेल स्टाफ नर्स और मैं ऑलरेडी सिस्टर संगीता और शाम को हंसराज शॉर्ट में लगाते हैं ना जी।
आप लोग हस्ताक्षर करते हो क्या? जी हस्ताक्षर अपने पैटर्न ऑफिस में करते हैं और बायोमेट्रिक लगाते हैं दोनों। बायोमेट्रिक सब जी दो। देखिए योगी सरकार की प्राथमिकता है स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा स्वच्छ पेयजल। जनपद गोरखपुर का प्रभारी मंत्री होने के नाते आज हमने इस जनता अस्पताल का निरीक्षण किया है। निरीक्षण में सबसे पहले हमने स्वच्छता पर ध्यान दिया। अस्पताल की स्वच्छता ठीक है, स्वच्छता से ही बीमारियां दूर होती हैं। और एक बात और देखने में आई, जनपद गोरखपुर के मुख्यालय अस्पताल का डॉक्टरों का व्यवहार अच्छा है, व्यवहार से ही मरीज ठीक हुआ करते हैं। किसी मरीज ने डॉक्टर के व्यवहार के बारे में, डॉक्टर की दवा देने के बारे में शिकायत नहीं की, सभी ने बताया। और गरीब मरीजों को मैंने देखा, तन लटे कपड़े फटे मरीजों को एडमिट मैंने देखा, तो ऐसे मरीजों से जब बात हुई मन को संतुष्टि हुई कि हाँ अस्पताल के डॉक्टर पूरा ध्यान दे रहे हैं। सरकार की जो मान्यता है, सरकार का जो दृष्टिकोण है कि हरे का स्वास्थ्य अच्छा हो, सब स्वच्छ रहकर अपना काम ठीक ठाक करें, बेहतर शिक्षा बेहतर सुरक्षा बेहतर स्वास्थ्य, ये योगी सरकार की प्राथमिकता है, इस पर हम पूरा ध्यान दे रहे हैं। आज अस्पताल का निरीक्षण किया, डॉक्टर और बड़े उसके पदाधिकारी अधिकारियों से, सीएमओ डिप्टी सीएमओ थे और एक सीनियर डॉक्टर, क्या नाम आपका? प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर आर के गुप्ता जी मेरे साथ रहे। सारा निरीक्षण किया गया और यहाँ डायलिसिस और बाकी ये जो हाँ ये सारा सिस्टम इतना अच्छा है, जो अस्पतालों में 3-4 हज़ार रुपए प्राइवेट खर्च होते हैं, हमारे अस्पताल में फ्री किया जा रहा है, डायलिसिस फ्री किया जा रहा है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर हेडलाइन पर। गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई समन्वय समिति की बैठक। 24 फरवरी को प्रधानमंत्री की रैली की तैयारियों की गई समीक्षा। प्रभारी मंत्री ने कहा रैली में शामिल होंगे 12 लाख किसान। मौसम विभाग और क्लाइमेट सेल ने 14 फरवरी से 17 फरवरी के बीच बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और वज्रपात की दी चेतावनी। प्रभारी आपदा अधिकारी ने लोगों किसानों से सावधानी बरतने और सतर्क रहने की दी सलाह। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान कराने पंजीकरण, मिलेगा सालाना 6,000 रुपए, जिला कृषि अधिकारी ने दी जानकारी। भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री की अध्यक्षता में संपन्न हुई किसान मोर्चा की बैठक। किया गया रैली स्थल का भूमि पूजन। जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने जिला चिकित्सालय का किया निरीक्षण। मरीजों से पूछा हाल, डॉक्टरों को दिए सुझाव। प्रदेश सरकार के बजट की प्रभारी मंत्री ने की सराहना। कहा किसानों को गेहूं के समर्थन मूल्य के साथ मिलेगा 100 रुपए अतिरिक्त बोनस। प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने जिला अस्पताल के चिकित्सकों के साथ किया बैठक। कहा ठीक है स्वच्छता और जनता अस्पताल, ज्यादा मरीज देखने वाले डॉक्टरों का दे नाम, मुख्यमंत्री जी से करवाएंगे सम्मानित।
भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन द्वारा आयोजित प्रतिभा खोज परीक्षा के विजयी प्रतिभागियों को किया गया सम्मानित। और दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के दो दिवसीय वार्षिक खेलकूद समारोह का हुआ समापन। प्रियंका ने 8 और विश्वजीत साहनी ने 5 गोल्ड मेडल जीतकर बने ओवरऑल चैंपियन। बात करके देखते हैं, बात करनी चाहिए बात। अमू बात बात ऐसी है कि एक बार बात करना चाहता हूं मैं तुमसे। बात तो कर सकते हैं ना हम लोग। अब मुझे ऐसा लगता है अमृता कि होता है, हो जाता है। समझता बेटर है। मैं क्या कह रहा था, अमु तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए। कभी ना कभी तो बात करनी थी। नहीं, टाइम आ गया है, हमें बात करनी चाहिए, है ना पापा? हाँ? किससे बात कर रहे हो? अम्मू किसी से नहीं। ओ। वो मेरी अम्मू अब बड़ी हो गई है ना, तो इसलिए मैं कोई भी बात मुश्किल नहीं, बस शुरू करने की देर है। इस डॉटर्स डे लेट्स टॉक पीरियड्स। रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर मल्टी स्पेशलिटी सुविधाओं से युक्त आपके गोरखपुर शहर में मॉड्यूलर आईसीयू, एनआईसीयू और डायलिसिस की विशेष सुविधा। साथ ही हमारे यहां पर हैं जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग विशेषज्ञ, न्यूरो सर्जन, हृदय रोग विशेषज्ञ, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी की भी उत्तम व्यवस्था। हमारी सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर सोना घोष इनफर्टिलिटी एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर के माध्यम से निसंतान दंपतियों के लिए आईवीएफ, इक्सी, IUI लेजर हैचिंग, ब्लास्टोसिस्ट कल्चर विधि द्वारा संतान सुख प्राप्त करें। और सिटी स्कैन, 2D, इको और पेस मेकर लगाने की उत्तम व्यवस्था। तो संपर्क करें डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर, रेल विहार, मेडिकल कॉलेज रोड, चरगावा, गोरखपुर। हेल्पलाइन नंबर 7706900028। अरकम सी ट्रेवल्स आर्य खान मार्केट के निकट मदीना मस्जिद रेती चौक आपके लिए लाए हैं उमराह का खूबसूरत मौका। आप घर बैठे ही उमराह की सारी तैयारियां कर सकते हैं, वो भी बेहद कम खर्चों में। साथ ही ट्रेवल एजेंसी की तरफ से तोहफे में हर हाजी को 3 बैग और 1 एहराम दिया जाएगा। पेगस निशान गोरखपुर का एकमात्र निशान डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने,
जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई। चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते। ऐश प्रा, 76 सालों से परंपरा विश्वास की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केंद्र और प्रदेश की सरकार आम जनता के राहत देने के लिए अनेक तरह की योजनाएं चला रही है, जिसका लाभ सीधे जनता को मिल रहा है। जिसका उदाहरण प्रदेश की योगी सरकार द्वारा पेश किया बजट है। बजट में सरकार ने सभी वर्गों का ध्यान दिया है। यह बातें सर्किट हाउस के सभागार में पत्रकारों से बात करते हुए प्रदेश के सिंचाई और जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा। प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रयागराज के कुंभ में, अविरल गंगा में देश और विदेश के लोगों ने डुबकी लगाई, कहीं भी गंगा में गंदगी देखने को नहीं मिली। प्रभारी मंत्री ने कहा कि किसानों के गेहूं के समर्थन मूल्य के साथ 100 रुपये बोनस देने का काम योगी सरकार ने किया है, इससे किसानों को अपने उत्पादन का अधिक लाभ मिल सकेगा। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा। सर, योगी सरकार ने जो बजट पास किया था, क्या खास जोर दिया गया, किस बारे में? देखिए, इस ये बजट का विशेष अंदाज मैं आपको बताऊं, ये पिछली बजट की तुलना में 12% हर विभाग में अधिक है। और ये बजट ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों पर विशेष ध्यान दिया गया, सिंचाई पर विशेष ध्यान दिया गया। दुनिया में बहुत देश तरक्की करते हैं जो सिंचाई पर ज़्यादा बजट खर्च करते हैं, और यही कारण है आज उत्तर प्रदेश में कृषि तीसरे स्थान पर है। पहले हरियाणा और पंजाब के बाद बहुत नंबर हमारा पाँचवा नहीं, हमारा 10वें नंबर पर थे। आज हम योगी जी के नेतृत्व में हम तीसरे स्थान पर कृषि आ गई है। खाद और बीज के साथ सिंचाई की बहुत आवश्यकता होती है, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था कि हमारी सरकार की प्राथमिकता सबसे पहले अच्छा स्वास्थ्य, मतलब दूसरा सफाई, सिंचाई, पढ़ाई और कमाई, दवाई, ये सब चीज़ों पर जो व्यवस्थाएं दी हैं, इन व्यवस्थाओं पर काम कर रही है सरकार। और आज उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में एक विशेष उत्साह है मोदी जी को लेकर, और 24 पूर्वांचल में भी विशेष उत्साह है। 24 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पधार रहे हैं। स्नान करने के लिए हड़ताल करते थे, शाही स्नान नहीं करते थे कि हम स्नान नहीं करेंगे, कि पानी गंदा है, ठहरा हुआ है। इस बार किसी अखाड़े ने हड़ताल नहीं की स्नान को लेकर और किसी भी व्यवस्था को लेकर। दूसरा, ये जल हमने टेहरी डैम से छोड़ा है, ये जल हमने 31 दिसंबर को छोड़ दिया था, वहाँ से छोड़वा दिया था। प्रयागराज आते आते 15 दिन लगते हैं, 10,000 क्यूसिक पानी निरंतर चल रहा है, हम 4 मार्च तक देंगे। तो कुंभ में हमने अविरल और निर्मल जल दिया है स्नान के लिए। पिछली सरकारों में घुटनों तक, कमर तक पानी नहीं दिया रहता था, घुटनों तक रहता था, इस बार हमने कमर तक पानी दिया है। और इस बार माननीय योगी आदित्यनाथ जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने कुंभ को दुनिया के मानचित्र पर लाकर दुनिया के लोग, दुनिया के देशों के लोग आए, हर व्यवस्थाएँ ठीक ठाक रहीं। कुंभ में जो गया उसने प्रशंसाई करने का काम किया, धन्यवाद। हाँ, ये भी गेहूँ खरीद के लिए पहले 1735 रुपया समर्थन मूल्य, इस बार पहली बार मोदी योगी सरकार ने किसान को 100 रुपये बोनस के रूप में प्रति क्विंटल दिया है। अब 1840 रुपये प्रति क्विंटल किसान का गेहूं खरीदा जाएगा, ये पहली बार किया गया।
प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने बुधवार को जिला चिकित्सालय का निरीक्षण करने के बाद जिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक और वरिष्ठ चिकित्सकों के साथ अस्पताल की मूल समस्याओं के संबंध में एक बैठक किया। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि जिस डॉक्टर के पास सबसे ज्यादा मरीज आते हैं उसका 3 महीने के अंदर हमें नाम चाहिए, हम मुख्यमंत्री जी से उनको सम्मानित करवाएंगे। उन्होंने कहा कि अस्पताल में दवाएँ ठीक दी जाएंगी और जहाँ कमियाँ हैं उन्हें दूर किया जाएगा। ऑपरेशन हो रहे हैं लेकिन उतनी रफ्तार में ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं। मरीजों को बेहोश करने के डॉक्टर नहीं हैं, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हम अनुरोध करेंगे, जनता की सुविधा के लिए जो भी आवश्यकताएं होंगी अस्पताल में उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने कहा कि अस्पताल में जेनरिक औषधियों का ही प्रयोग हो रहा है और लाभकारी औषधियां ही मरीज के प्रयोग में लाई जा रही हैं। इस दौरान CDO अनुज कुमार, खजनी विधायक संत प्रसाद, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नीरज कुमार पांडे, एडिशन CMO डॉक्टर IB विश्वकर्मा, जिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर राजकुमार गुप्ता, डॉक्टर BK सुमन सहित जिला अस्पताल के अन्य चिकित्सक और कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, आज मैंने पढ़ा अखबार में, अमर उजाला में था कि सांप का गोरखपुर का कोई व्यक्ति सांप काटने से मर गया ट्रेन में, तो उसका ही सांप छूट गया हो कुछ भी हो, तो सांप काटने की दवा आवश्यक होती है। हर स्थिति में सांप काटने की दवा, कुत्ता काटने की दवा और सांप काटने की दवा, ये आवश्यक रूप से यहाँ उपलब्ध रहे, उसको जरूर करा दे, कुछ ना कुछ सिस्टम उसको डेवलप करना, थोड़ा सा समय लेके लिखना पड़ेगा। हाँ, वो जरा उनका असर बहुत ठीक था, भीड़ इतनी होती है कि उसको नाम ही लिखना कभी कभी कठिन रहता होगा, तो दवा क्या क्या दी या उसका कोई डुप्लीकेट कुछ भी रहे, क्योंकि गरीब आदमी है उसको पत्ते वत्ते संभालता नहीं, और दवा निश्चित रूप से आप ट्रेन डॉक्टर हो सब बातें कभी ना कभी रेट कर सकती है, कोई दवा किसी को सूट नहीं करती है, तो दवा उसको रेट करके वो कहेगा डॉक्टर साहब आपकी दवा ने नुकसान किया, फिर आप आओ वो आएगा कौन सी दवा दी, आप रिकॉर्ड है नहीं कौन सी दवा दी, तो फिर दिक्कत आती है, इसलिए वो सिस्टम में ठीक रहे, सफाई आपकी ठीक है, डॉक्टर पूरे हैं आपके अनेक विभागों में लगभग सर हैं, सिर्फ एनेस्थीसिया तो ऑलमोस्ट दो कमी थी, हाथों में कमी थी, तो हमारे आ गए ज्वाइन कर लीजिए, तो हो गया। आई में भी हैं सर, सब रेडियोलॉजी में भी हैं और फिजिशियन में भी हैं, फिजिशियन थोड़ा कम है लेकिन उसकी भरपाई दूसरे तरीके से हुई है, UPHSSP ने उन्होंने जो हम लोग की संस्था और है जो वो मदद करती है, तो आप से डॉक्टर हैं, आप अस्थाई डॉक्टर हैं, 3 महीने का डॉक्टर साहब किसी भी विभाग का हो, जिस डॉक्टर के सबसे ज़्यादा मरीज आते हो जिसके पास उसका नाम कि इस डॉक्टर के पास सर्वाधिक मरीज आते हैं उसका 3 महीने में हमें नाम चाहिए, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से सम्मानित कराएंगे, कि मतलब जो सबसे ज़्यादा मरीज देखता हो सबसे बढ़िया काम करता हो 3 महीने का रिकॉर्ड देना, अंबानी मुख्यमंत्री जी से सम्मानित कराएंगे। आज हमने हम बताना नहीं चाह रहे लेकिन आपने प्रश्न कर लिया है तो इसमें आज नहीं नहीं बताना तो ठीक है, वो कोई छिपी हुई बात नहीं है, बात अच्छी है, प्रश्न भी आपका अच्छा है। हमने डॉक्टर साहब को दवा देते देखा और डॉक्टर साहब स्वयं बड़ी गंभीरता से पेशेंट को देख रहे थे, सम्मान के नाते उठकर खड़े हुए, मैंने कहा नहीं बैठिए आप अपने पेशेंट को देखिए। उनके साथ में जो कंपाउंडर था फार्मेसिस्ट जो भी होंगे वो लिख रहे, तो मैंने उनको पूछा दवा के बारे में, इस मरीज को क्या दवा दी है, तो उनके पास था नहीं, तो मैंने सुझाव दिया है और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने भी कहा है कि इसको सुधार करेंगे, तो दवाओं के बारे में जो आपने प्रश्न किया है दवाएं ठीक दी जाएंगी और जहां कमियां हैं वो सुधार कर लिया जाएगा। नहीं, ऑपरेशन तो हो रहे हैं, वो उतनी रफ्तार में ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं, जो डॉक्टर नशा सुंघाते वो नहीं है, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने भी अवगत कराया है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हम अनुरोध करेंगे और तत्काल यहाँ व्यवस्था कराने का काम करेंगे और जनता की सुविधा के लिए जो भी आवश्यकताएं होंगी अस्पताल में वो उपलब्ध रहेंगी। अस्पताल में जेनरिक औषधियों का ही प्रयोग हो रहा है और औषधियाँ वो प्रयोग में लाई जा रही हैं जो मरीज को बहुत लाभकारी, वैसे यूँ तो दवाओं की सूची तो बहुत हो सकती है, अभी मैंने देखा यहाँ कुछ पेशेंट ऐसे थे जिन्हें झटके पड़ते हैं, मतलब ज़्यादातर पेशेंट देखने को मिले जिन्हें दिमागी झटके पड़ते, ये मैंने यहाँ नया देखा, मैंने CMS को कहा है इसका अध्ययन करो, कई मरीज ऐसे मिले कि उनको दिमागी झटके पड़ते,
तो उनको क्या दवा दी जाती है, लेकिन मैं दवा जेनरिक दवाइयाँ जैसे जाड़ा है, बुखार है, सर्दी है, नमोनिया है, ये इत्यादि दवाएँ कुछ ऐसी हैं जेनरिक दवाएँ जो लोग कफ का सिरप है तो ये सब मांगते हैं और आप सुझाव देंगे तो उसका ध्यान रखें। देखिए हड़बड़ी नहीं हो रही, जनता को सुविधाएं जल्दी से उपलब्ध करा दी जाएं। स्वास्थ्य देखो, स्वास्थ्य में जितनी जल्दी सुविधा उपलब्ध कराई जाए, मान लीजिए कोई आदमी एक्सीडेंट हो गया, उसको हड़बड़ी में नहीं बहुत जल्दी में पहुंचा देंगे, उतनी जल्दी वो ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए ठीक करने के लिए व्यवस्थाएँ की जा रही हैं। दूसरा, आज हमने देखा वो ऑपरेशन थिएटर हम देखना चाहते थे, सीएमएस को लेकर गए, लेकिन उस समय ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन चल रहा था, इसलिए हमने उसे नहीं देखा, क्योंकि ऑपरेशन के समय अंदर प्रवेश करना वर्जित होता है और वो मरीज के लिए भी हानि पहुंचा सकता है। तो यहाँ डॉक्टरों की मंशा बहुत अच्छी है, ऑपरेशन थिएटर को मैं जो आपने कहा है उसी की मंशा से गए थे। देखो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अभी डॉक्टर सब इलाज में हैं, मैं एक बड़ी बैठक करके वो भी कराएंगे और आयुष्मान भारत योजना का लाभ 5 लाख तक का उपचार गरीब आदमी को फ्री मिले, माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं का लाभ योगी जी पूरी तरीके से दिलाने का काम कर रहे हैं और इस व्यवस्था को संचालित कराएंगे। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन द्वारा प्रतिभा खोज परीक्षा के पुरस्कार वितरण एवं सम्मान समारोह का आयोजन गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन सभागार में किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि भूगोल विभाग के विभागाध्यक्ष शिवाकांत सिंह, विशिष्ट अतिथि दुर्गेश चौरसिया सहित अन्य पदाधिकारी और छात्र मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संगठन के जिला अध्यक्ष मनीष ओझा ने किया। कार्यक्रम में प्रतिभा खोज प्रतियोगिता के विजयी 250 छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए NSUI के जिला अध्यक्ष मनीष ओझा ने कहा, आपके चैनल को पहले सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, यहां पे उपस्थित 250 बच्चों को, छात्र छात्राओं को मुख्य मंच से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें मेडल प्रथम 5 और कनिष्ठ वर्ग 2 वर्गों में हम लोग बांटे हैं, कनिष्ठ और लिपिक 2 वर्गों को, प्रथम 5 वालों को मेडल, प्रशस्ति पत्र और शील्ड दिया जाएगा और बाकी अन्य प्रतिभागियों को भी हम लोग प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित करेंगे मुख्य मंच से। मुख्य अतिथि हमारे बतौर SK सिंह सर हैं, विभागाध्यक्ष भूगोल विभाग, और विशिष्ट अतिथि माननीय दुर्गेश चौरसिया जी मंच पर मंचासीन, उन लोगों के कर कमलों द्वारा हमारे प्रतिभागी किए हुए छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में चल रहे 2 दिवसीय वार्षिक खेलकूद समारोह का बुधवार को समापन हुआ। समापन समारोह के मुख्य अतिथि पूर्वोत्तर रेलवे के पूर्व उप प्रमुख परिचालक प्रबंधक रणविजय सिंह और अन्य अतिथियों ने विजयी खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि को आयोजन समिति द्वारा अंगवस्त्र और स्मृति देकर सम्मानित किया गया। दूसरे दिन के खेल समारोह में BA प्रथम वर्ष की लड़कियां अनुपमा, प्रियंका, रूपम और राधिका ने 400x4 रिले दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि BA प्रथम वर्ष के लड़कों में अनुव कुमार यादव, आलोक कुमार यादव, सुधीर यादव, पर्दुमन पासवान ने 400x4 रिले दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया। लड़कों के 100 मीटर दौड़ में सूरज मौर्य और लड़कियों के 100 मीटर दौड़ में प्रियंका को प्रथम स्थान मिला। वार्षिक खेल समारोह में BA प्रथम वर्ष की छात्रा प्रियंका ने 8 गोल्ड और 2 सिल्वर के साथ 10 मेडल लिए और BA प्रथम वर्ष के छात्र विश्वजीत साहनी को 5 गोल्ड, 4 सिल्वर और 1 ब्रोंज के साथ कुल 10 मेडल लिए। वार्षिक खेल समारोह ओवरऑल विजेता बने। मुख्य अतिथि ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि बहुत दिनों बाद मुझे कॉलेज का इस तरह का कार्यक्रम देखने का अवसर मिला। हम लोग इस तरह के क्रीड़ा समारोह के आयोजन करवाते थे और देखते भी थे, लेकिन वह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हुआ करते थे जो यहीं से निकलकर आते थे। वार्षिक खेल समारोह में नेहा शर्मा, दुर्गेश्वरी
रेखा गुप्ता, सूरज मौर्य, विश्वजीत साहनी, सलोनी यादव सहित कुल 112 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद प्रबंध समिति के अध्यक्ष प्रथम नाथ सिंह, प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह, क्रीड़ा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भगवान सिंह, क्रीड़ा अधीक्षक अवधेश कुमार शुक्ल सहित आयोजन समिति के अन्य सदस्य और प्रतिभागी खिलाड़ी मौजूद रहे। समारोह के ओवरऑल चैंपियन खिलाड़ियों विश्वजीत साहनी और प्रियंका ने गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए कहा। अनुपमा की टीम का एक ले लो, बीच वाले का चलो भाई पकड़ो, शुरू करो, चलो कौन शाबाश एक टीम और कोई टकरा दे आराम से इधर आ जाओ बेटा बेटा टेस्टिंग का मामला हो चाहे रेसलिंग का मामला हो, हाँ, और फर्स्ट प्लेस पाने वाले बच्चे जानवित हो गए, ये अच्छी बात है। आप लोग इस लड़के का स्टेप देखिए ये होती है मित्र डॉक्टर अखंड सिंह, डॉक्टर राकेश सिंह, डॉक्टर सत्यपाल सिंह, ब्लॉक प्रमुख बलिया, मैडम एक बार पांच बहुत अच्छा लग रहा है डॉक्टर सत्यपाल सिंह सर। दो को और भेज देते, अब उनको भी बुलाओ, अखंड सर को बुलाओ। अब आप चलो, तो उत्तर रेलवे को जन प्रशासक के रूप में एक अधिकारी के रूप में आपकी कमी तो खल ही रही है, लेकिन साहित्य की दुनिया में उसकी भरपाई आप सेकेंड ये है, सेकेंड रेड वाला कौन है? जी सानी सेकेंड, सूरज कुमार थर्ड, 100 मीटर सबसे तेज धावक कॉलेज की। और ये मेडल पहनाते हुए आज की मुख्य अतिथि और प्राचार्य जी थोड़ा सवाल इधर आ जाओ बेटा, मेडल वाले को आगे करो, मेडल बहुत दिनों बाद मुझे कॉलेज का इस तरह का कार्यक्रम देखने का अवसर मिला। हम लोग ये
इस तरह के क्रीड़ा समारोह आयोजित जरूर करवाते थे और देखते भी जरूर थे, लेकिन वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हुआ करते थे जो कि यहीं से निकल कर जाते थे। तो खिलाड़ियों की इस नर्सरी को देख करके आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। केवल पढ़ने के लिए आना, केवल शिक्षा ग्रहण करना और उसी क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करना, ये अधिकांश लोगों का उद्देश्य होता है, अधिकांश विद्यार्थियों का उद्देश्य होता है। खेलों में वही लोग आते हैं जिनकी उसमें रुचि होती है, और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनको कि अपने अभिभावकों से भी छूट मिली रहती है कि वो खेलों में भी भाग ले सके। सुविधाएं भी बहुत कम हो गई हैं, मैदान बहुत कम हो गए हैं, उनकी उपलब्धता कम हो गई है, लेकिन फिर भी इतने खिलाड़ी, इतने बच्चे यहाँ उपस्थित हैं, वो ये दर्शाता है कि अभी भी काफी विद्यार्थियों में खेल की भावना बनी हुई है। विद्या का वैसे तो मुख्य उद्देश्य मनुष्य को सभ्य बनाना है और अगर श्लोक पर, संस्कृत के श्लोक पर विश्वास किया जाए तो विद्या विनय देती है और विनय से योग्यता आती है और योग्यता से पैसा आता है और पैसे से सुख आता है, लेकिन वो सुख तब तक अधूरा रहता है जब तक कि आप शारीरिक रूप से सक्षम न हो, शारीरिक रूप से स्वस्थ न हो। और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए ये आवश्यक है कि आप व्यायाम करें, आप खेलों में भाग लें, जिससे कि आपका स्वास्थ्य निरंतर उत्तम बना रहे। आप लोग बहुत देर से इस धूप में खड़े हैं, निश्चित ही बहुत उपदेश आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन एक चीज और है कि इस आज खेलों से भी लोग बहुत, खेलों में भी कैरियर है, खेलों से लोग पैसा कमा रहे हैं, न खेलों से खिलाड़ी लोग ही पैसा कमा रहे हैं बल्कि टेक्निकल एडवाइजर्स भी पैसा कमा रहे हैं। एक एक खिलाड़ियों के लिए मैनेजर होते हैं, कोच होते हैं, प्रैक्टिस पार्टनर्स होते हैं, क्योंकि करोड़ों में, अरबों में खिलाड़ियों की आमदनी है। मैं विश्वजीत सानी डिवीजन डीसी से लड़कों में ओवरऑल चैंपियन हूं। 800, 1500, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर में मेरा गोल्ड है और 2 रिले रेस में सिल्वर और 100-200 मीटर में सिल्वर है। एक ट्रिपल जंप में कांसा है। कौन सा खेल ज़्यादा प्रिय और आगे की क्या रणनीति है, कैसे है? मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है और आगे मैं सेना में होना चाहता हूँ, देश की सेवा करना चाहता हूँ। प्रियंका नाम है और गोल्ड मेडल हमको लंबी कूद, लंबी ऊंची कूद में और ट्रिपल जंप रनिंग में 200 मीटर, 100 मीटर, 400 मीटर में गोल्ड मेडल मिला है और जिस कॉलेज से हैं, दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज गोरखपुर। ओवरऑल चैंपियन आप बनी हैं? हाँ। कितने गोल्ड मिले हैं टोटल? 8 गोल्ड और 2 सिल्वर। अच्छा, आगे की क्या है, लक्ष्य क्या है आपका? फुटबॉलर बनना।
जाने से पहले एक नजर हेडलाइन पर। गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई समन्वय समिति की बैठक। 24 फरवरी को प्रधानमंत्री की रैली की तैयारियों की गई समीक्षा। प्रभारी मंत्री ने कहा रैली में शामिल होंगे 12 लाख किसान। मौसम विभाग और क्लाइमेट सेल ने 14 फरवरी से 17 फरवरी के बीच बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और वज्रपात की दी चेतावनी। प्रभारी आपदा अधिकारी ने लोगों किसानों से सावधानी बरतने और सतर्क रहने की दी सलाह। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान कराने पंजीकरण। मिलेंगे सालाना 6,000 रुपए, जिला कृषि अधिकारी ने दी जानकारी। भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री की अध्यक्षता में संपन्न हुई किसान मोर्चा की बैठक। किया गया रैली स्थल का भूमि पूजन। जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने जिला चिकित्सालय का किया निरीक्षण। मरीजों से पूछा हाल, डॉक्टरों को दिए सुझाव। प्रदेश सरकार के बजट की प्रभारी मंत्री ने की सराहना। कहा किसानों को गेहूं के समर्थन मूल्य के साथ मिलेगा 100 रुपए अतिरिक्त बोनस। प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने जिला अस्पताल के चिकित्सकों के साथ किया बैठक। कहा ठीक है स्वच्छता और जनता अस्पताल, ज्यादा मरीज देखने वाले डॉक्टरों का दे नाम, मुख्यमंत्री जी से करवाएंगे सम्मानित। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन द्वारा आयोजित प्रतिभा खोज परीक्षा के विजयी प्रतिभागियों को किया गया सम्मानित। और दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के 2 दिवसीय वार्षिक खेलकूद समारोह का हुआ समापन। प्रियंका ने 8 और विश्वजीत साहनी ने 5 गोल्ड मेडल जीतकर बने ओवरऑल चैंपियन। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।